वेरी गुड मॉर्निंग सर फ्रेंड, टुडे आवर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स ऑफ क्लास फर्स्ट चैप्टर टू एडिशन। एडिशन जोड़ सम, दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का सम, ऐड अप टू नाइन, नाइन तक की संख्याओं का जोड़, जो नाइन तक के नंबर्स होते हैं उनका जोड़ हमें करना है इस चैप्टर में। जैसे जैक एंड जिल वेंट टू अप द हिल, जैक एंड जिल है वो पहाड़ी पर गए टू फैच ए पैल ऑफ वाटर। उन्होंने क्या किया, क्या लेके आए, वाटर की फैच, पैल्स क्या होते हैं, बाल्टी, फैच लाना, वो पानी की है जो बाल्टी भर के लेके आए। इफ जैक एंड जिल ईच फैच्ड वन पैल ऑफ वाटर, और यदि जैक और जिल ने एक एक पानी की बाल्टी लाए, हाउ मैनी पैल्स विल दे हैव इन ऑल, तो एक एक पानी की बाल्टी लाए तो वो टोटल कितनी लेके आए, हाउ मैनी, कितने लेके आए वो, दे हैव वन, जैक लेके आया वन, जिल लेके आया, तो टोटल कितनी पैल्स ले आए, टू। इसी तरीके से हमें जब किसी दो नंबर्स का टोटल प्लस करना है, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, एक उसके पास मार्कर है, टोटल मार्कर कितने हो गए, दो, इसी तरीके से हमें जो ऐड होता है वो करना होता है। दे हैव वन, जो पैल्स है वो पैल कौन लेके आया, जैक, वन पैल कौन लेके आया, जिल, टोटल पैल्स कितनी होगी, टू। तो ये जो सिंबल होता है ये होता है प्लस का सिंबल, प्लस मींस एडिशन, ये होता है एडिशन का सिंबल, इज द सिंबल ऑफ प्लस, इट मींस एडिशन, इसको जोड़ भी बोलते हैं हिंदी में। 2 इज द सम ऑफ 1 एंड 1, यहाँ पे जो 2 है वो सम है दोनों का, किस किस का, 1 और 1 का। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ पिक दी गई है, उस पे उसको बताना है हमें। देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन हु लिव्ड इन ए शू, यहाँ पे क्या, एक बूढ़ी औरत रहती है, कहाँ रहती है, एक शू, एक जूते के आकार का उसका हाउस है, जूते के शेप का आकार का उसका एक घर है, उसमें एक बूढ़ी औरत रहती है। सी हैड सो मैनी चिल्ड्रन, उसके पास कई बच्चे हैं। सी डिड नॉट नो व्हाट सी डू, वह नहीं जानती वह क्या करती है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर वीरिंग ब्लू शर्ट, तो हमें इनमें से वो बच्चे बताने हैं जिन्होंने क्या पहन रखा है, ब्लू शर्ट पहन रखा है, कितने बच्चे हैं ब्लू शर्ट वाले, 1, 2, 3, कितने बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रंस। नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर वीरिंग रेड शर्ट, अब रेड शर्ट किस किसने पहन रखी है, कितने बच्चों ने, 1, 2, कितने बच्चों ने, 2। नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन ऑल, तो टोटल बच्चे कितने हैं यहाँ पे, कितने हैं टोटल, 4 यहाँ पे बैठे हैं, 3 ऊपर खड़े हैं, तो टोटल कितने हैं, 4 और 3, 7, टोटल कितने हैं यहाँ पे, 4 और 3, 7। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 4 यहाँ पे, 4 खड़े हैं, 4 बैठे हैं, 3 खड़े हैं, तो टोटल कितने हो गए, 7, 7 चिल्ड्रन इन ऑल, इस तरीके से हम समूह कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडिशन बाई काउंटिंग टुगेदर, हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करना है, एक साथ गिनती गाकर, एक साथ इनकी गिनती पढ़नी है हमें और एडिशन करना है, 1, 2, 3, 1, 2, टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हो गए, 5। तो 2 + 3 क्या बनाते हैं, 5 बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे फ्रॉग हैं, कितने फ्रॉग हैं, 1, 2, कितने हैं, 2, 1, 2, कितने हैं, 2। मैक, 1, 2, 3, 4, कितने बनाते हैं, 4 बनाते हैं, 2 + 2 = 4। नेक्स्ट इज, यहाँ पे पिल्ले दे रखे हैं, उनको काउंट करना है हमें, 1, 2, 3, 4, कितने हैं, 4। नेक्स्ट,
वन टू थ्री, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 + 3 = 7। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे 4 हैं, इनको एक साथ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम एक साथ काउंट करके उनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट फ्लावर्स हैं, उनको भी हम एक साथ काउंट कर सकते हैं। तो कितने फ्लावर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3, कितने हैं 3, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। अब इनको एक साथ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं यहाँ पे 8, 3 + 5 = 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। इस तरीके से हम इनका प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एडिशन ऑन नंबर ट्रिक, हमने अब क्या करना है, नंबर ट्रिक से एडिशन करके देखना है। यू वी कैन यूज द फॉलोइंग नंबर ट्रिक फॉर एडिंग नंबर्स, हम कुछ ट्रिक भी ले सकते हैं नंबर्स को ऐड करने के लिए। जैसे कि हमें 6 बनाना है, 2 + 1 2 3 4, 2 + 4 = 6, टू फाइंड 2 + 4, पुट योर फिंगर ऑन 2 एंड देन मूव द फिंगर 4 स्पेसेस फॉरवर्ड। तो हमने क्या करना है, पहले 2 फिंगर करनी है, फिर हमने क्या करनी है, मूव कर देनी है, 4 फॉरवर्ड कर देनी है, 4 आगे बढ़ानी है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, यू विल रीच ऑन 6, हम कहाँ पे पहुँच गए, 6 पे पहुँच गए, 2 + 4 = 6। तो अभी मैंने बताया, हमने पहले 2 फिंगर ऐसे फिंगर थी, हमने फॉरवर्ड किया, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 6। सबसे पहले हमने कितने फिंगर्स थी हमारे पास, 2, प्लस में हमने फॉरवर्ड कितनी की 4, तो टोटल कितनी हो गई 6। इसी तरीके से यहाँ पे हम ट्रिक के द्वारा फिर से ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितने हैं, सबसे पहले 4, फिर हमने आगे बढ़ाया 5 6 7 8 9, तो 4 था, कितनी बार आगे बढ़ाया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम हमने आगे बढ़ाया, तो 4 + 5 = 9। तो हम उंगलियों के द्वारा ही काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले 4 फिंगर्स, फिर उसको फॉरवर्ड किया, जैसे 5 6 7 8 9, टोटल कितनी होगी 9 फॉरवर्ड करेंगे। इसी तरीके से तो टू फाइंड फोर प्लस फाइव, पुट योर फिंगर ऑन 4, हमने क्या करना है, फिंगर्स 4 तक, फिर देन मूव द फिंगर 5 स्पेसेस फॉरवर्ड, यू विल रीच ऑन 9, 4 + 5 = 9, 10, इस प्रकार से। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हैं, फिर फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द बॉक्सेस, हमने बॉक्स में फिल करना है, जैसे 3 तक थे, फिर हमने कितनी बार फॉरवर्ड किया उसको, 4 बार, तो कितनी बार, कितना हो गया टोटल 7। हमने यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 2, कितनी बार फॉरवर्ड किया, 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया 7। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, 1, कितनी बार फॉरवर्ड किया, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास कितना हो गया 6। नेक्स्ट यहाँ पे कितना है 4, कितनी बार फॉरवर्ड किया, 1 2 3 4, 4 बार फॉरवर्ड किया, टोटल कितना हो गया 8। इस तरीके से ये सब हमें करने हैं। थैंक यू।